चलिए गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर टू के लिए ही है, एक्सरसाइज 2.2 में चलेंगे हम लोग। प्लस टू की क्लास, इनवर्स टी रेशोज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं फंक्शन चला लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेक्चर 6 क्वेश्चन आज बेस होंगे इसके ऊपर, तो एक फिफ्थ का 6 पूछा गया मुझसे, तो मैं वही क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, फिफ्थ का 6 है। चलिए आज ऊपर से भी कोई डाउट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का वो इसमें डाल देना, मैं वो भी ले लूंगा। पहले मैं फिफ्थ का 6 करा दूं जो पहले पूछा गया, फिफ्थ का 6 है। चलिए 4 tan inverse 1/5 माइनस tan inverse 1/70 tan inverse 1/99 इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये मुझे प्रूव करना है, प्रूव, आइए बात समझ में, प्रूव करना है। चलिए जी प्रूव तो करना ही है तो करेंगे ही, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 tan inverse 1/5 बना दिया, 2 tan inverse 1/5 बना दिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया tan inverse 1/70 tan inverse 1/99। मैं ये भी एक और बात कह रहा था जो कल मैसेज में डाला था, एक तो मैंने ये बोला, मैंने सेकंड टॉपिक के कुछ वीडियो लेक्चर डाल दिए, फिर दूसरी बात ये बोल रहा हूँ उसमें मैसेज में ये आ रहा था कि जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा या आप लोग आओगे मेरे पास, तो 2 बैच प्लस 2 के फेस टू फेस बनेंगे और 1 ऑनलाइन बैच बनेगा, मतलब थ्रू आउट ईयर भी ऑनलाइन जो जाना चाहता होगा चला जाएगा। और उसमें मैंने ये लिखा था आपको कि मतलब आप सिलेबस ऑनलाइन कर लो, रिवीजन आप यहाँ आगे कर लेना, या सिलेबस यहाँ कर लो आप लोग, मतलब कुछ भी आप, एक ऑनलाइन का बैच है तो मेरा मतलब आप रिवीजन ऑनलाइन कर सकते हो, सिलेबस यहाँ पे आगे कर लो, जिसको दूर पड़ता है, कोई गाँव से आता है या दूर से आता है, किसको आने की प्रॉब्लम है, तो वो अब चलेगा ऑनलाइन लेक्चर पूरे साल, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बात कह दूं, तो उसमें ये बात आप फिर मैं बार बार आपको इसके लिए चलो आ जाओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गुड मॉर्निंग, चैप्टर टू में चले इनवर्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन जो बेस्ड है, क्लास प्लस 2 एक्सरसाइज 2.2 फिफ्थ का 6 पार्ट है। 4 tan inverse 1/5 प्रूव करना है इसको, ये क्या करना है आपको, इसको प्रूव करना है, प्रूव, माइनस tan inverse 1/70 tan inverse 1/99 π/4। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, 4 को लिखूंगा 2 times 2 ये कर लिया, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगवा दिया है। देखो अब तुम्हारी ड्यूटी है कंडीशन को चेक करना, tan inverse of, अगर एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर माइनस 1 होगा, एक्स कितना है 1/70, वाई कितना है 1/99, एक्स वाई कितना है 1/79, 1/90 ग्रेटर क्या आएगा माइनस 1, सोच लीजिए माइनस 1 से बड़ा आएगा, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कौन सा लगेगा, 2 tan inverse x का, क्या होता है tan inverse 2x अपॉन, लगा दीजिए, लगा रहे हैं 2 बाहर, यह आएगा tan inverse 2x 1 minus x के, यहां पे भी लगा दीजिए। अब यहां पे क्या लग जाएगा, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, tan inverse of x minus y 1 plus x into y, कहते हैं इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या बनता है। मैंने लिख दिया 2 tan inverse का, कितना आ गया 2 tan inverse x, कितना बन गया सोचो जरा,
बनाई, ट्राई लिख दूं, कराई जरा सो कितना बन रहा है, ट्वाइस हो, टेन इनवर्स हो, सोचिए 25, 25 में 24, 24 में 25, 5 से 5 कट जाएगा, 5 ऊपर 10 बाय कितना आ गया 24 सोचो, माइनस 10 इनवर्स हो, 99 माइनस 70 अपॉन 17 इनटू 99 1, 17 इनटू 99 प्लस 1 अपॉन, ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये आप कैंसिल करा लो, कितनी वैल्यू देगा ये देख कदूर, अब ये बनेगा 2 tan inverse 5 by 12 प्लस 10 इनवर्स हो, सॉल्व कराओ देना कितना बन रहा है 29, देना नीचे कितना आ रहा है 6331 आ रहा है, 6331 आ रहा है, देखना सॉल्व करके कितना आ रहा है 6331 6931, देखो कल तो यही आ रहा था, पिछले साल तो यही आया था, देखो इस साल भी यही आ रहा है क्या, सॉल्व करना मल्टीप्लाई करनी है, यही आ रहा है। अब फिर दोबारा से 2 tan inverse x का फॉर्मूला लगा लो, क्या बनेगा 2 tan inverse x पे tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया, तो 2 tan inverse x पे क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 29 बाय 693, सॉल्व करना इसे, सॉल्व कर कितना बनेगा, ट्राई है कर दो सीधे सॉल्व, ट्राई है tan इनवर्स ऑफ 144 माइनस 29 120 अपॉन 119 सोचो प्लस tan इनवर्स ऑफ 29 अपॉन 693, लगा दो फॉर्मूला, जो x इंटू वाई है वो लेस देन 1 है, 120 अपॉन 119 29 अपॉन 6931 वो लेस देन 1 है, करा लो तो tan इनवर्स आएगा 120 अपॉन 119 प्लस 29 अपॉन 6931, डाउट ही है ना आपका, पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है tan इनवर्स ऑफ, याद ही होगा xy लेस देन 1, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है छोटी, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो ये लग जाएगा, करो सॉल्व 1 माइनस 120, देखो जिसका डाउट था ये लो आप एलसीएम ले लो, ट्राई है, सोचना कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 कट कट आती कर लो, ठीक है, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर मार लो, देख लो कितना बन रहा है, कैलकुलेटर मार लो, मेरे ख्याल पिछले साल ये आ रहा था, देखो इस साल भी ये आ रहा है क्या, सॉल्व करके 28561 कट जाएगा, कितना बन गया tan इनवर्स 1, कहां पे जाओगे 1, नोटबुक अपने पास रखा करो पाई बाय 4 आंसर, क्योंकि ये क्या है वैल्यूज में लाइक कर पढ़ लो अपने आराम से, मैंने 7th शुरू करा दी, पता चल गया होगा 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, बाकी आगे बताइए, इसी में इस तरह से करा मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिखा है, चलो 7th prove that cos inverse x sin inverse हो, देखना क्वेश्चन क्या है, 1 minus 2 sin 1 minus x by 2 आ जाओ 2 cos inverse 1 plus x by 2 ये लग जाएगा, तो मेरे पास आ गया cos inverse x 2 sin inverse 1 minus x by 2 2 cos inverse 1 plus x by 2, मुझे ये प्रूव करना है
इसको इसके इक्वल प्रूव कर देता हूँ, इसको इसके इक्वल, मतलब तीन साइड इक्वल प्रूव करनी है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कब प्रूव होगा, जब ए बी के इक्वल हो बी सी के, ए बी के इक्वल हो ए सी के, ऐसे नहीं हो सकता है बी के हो बी ए के, ऐसे थोड़ा ना होगा, कोई भी दो इक्वल कर दो। तो मैंने पहले ये वाली साइड ली, ये वाली साइड कंसीडर कर लो, सेकंड साइड चलिए कंसीडर कर लो सेकंड साइड को, यह आ गया टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स। फॉर्मूला फॉर्मूला लिख रहा हूं रेड मार्कर से, क्या बनेगा फॉर्मूला देखो जरा। टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखवाया होगा, कॉस इनवर्स में वन माइनस टू एक्स के, सोचो तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स वन माइनस टू, ये पूरा किसका काम करेगा, पूरा एक्स का, किसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, वन माइनस एक्स बाय टू का स्क्वायर। सोचो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, टू साइन वर्स एक्स कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स के, टू साइन वर्स एक्स कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स के, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये क्या बच गया कॉस इनवर्स ट्वाइस वन माइनस वन प्लस, तो कितना आ गया कॉस इनवर्स। अब राइट हैंड साइड देखो, समझ रहे हो, कर लो नोट फिर मैं अगला करूं। अब क्या ले लो, कंसीडर थर्ड साइड ले लो, थर्ड साइड तो क्या आ जाएगी, थर्ड साइड टू कॉस इनवर्स, ये अब दोबारा फॉर्मूला लगा, जैसे ये फॉर्मूला टू साइन इनवर्स एक्स का लगाया था ना, ऐसे टू कॉस इनवर्स एक्स का भी लगा लो, ठीक है, लगा लोगे, हिंट दे रहा हूं करो अपने आप ट्राई। आठवां क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये रख कर रहा हूं फॉर्मूला। चलिए ऐसे इसमें फॉर्मूला लगता है, क्या बोला टू कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, लगाओ अपने आप लगाओ आंसर आ जाएगा, ये भी लेफ्ट के इक्वल आ गया है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड आ गया, कराओ। चलिए मैं एट्थ लिख, एट्थ कॉट इनवर्स एक्स माइनस वाई, कॉट इनवर्स वाई माइनस जेड, कॉट इनवर्स ये रब करना पड़ेगा, लगा लिए फॉर्मूला, क्या बन रहा है टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर से रूट कट गया कॉस इनवर्स, कॉस एक्स लिख दूं, एस प्रो आगे चलो। कोई और भी डाउट है इसके अलावा, देखो जरा नहीं, चलो चलिए अगला बता रहा हूं, ये रब कर रहा हूं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर डालने शुरू कर दिए, देखे ना अपने पिछला कोई रह गया किसी का। चलिए अगला आएगा कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो जीरो LHS लेफ्ट हैंड साइड, मुझे इतना बात पता है बाय कन्वर्जन से लगाई दो सब में, बाय कन्वर्ट कर देते कॉट इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वन बाय, गुड़िया ऐसे कर देती आंसर आ जाता अगर सोचती है तो, क्या बोला कॉट इनवर्स एक्स को, किसको बोला कॉट इनवर्स एक्स को, कॉट इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स रेसिप्रोकल करा लो,
टैन इनवर्स एक्स का क्या होता था, वन बाय एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, बनने शुरू हो गए थे, बस फॉर्मूले सोचियो जरा, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स, सोचना आराम से, ये फॉर्मूला बन गया, अपना दिमाग लगाना, किसका फॉर्मूला होता है, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स, लगाओ जरा, सभी फॉर्मूला लगाओ जरा इसको फटाफट से। अगला है हो गया गुड़िया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लगा लिया फॉर्मूला, क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड प्लस tan inverse z minus tan inverse x, ओके, x से x, y से y, z से z, ओ यस काके, चल कितना इजी था, चलिए एनी हाउ 11th इलेवेंथ है, टैन इनवर्स प्रूव दैट है, टैन इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर, टैन इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर, टैन इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर, पाई बाय टू दिया हुआ, इफ वेयर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इफ दिया हुआ है, वेयर का मतलब होता है गिवन है, ये गिवन कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो और दो मिनट वेट करना मेरे लिए, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना, पिछला तो क्वेश्चन समझ आया है गुड़िया ये वाला, हाँ या ना लिखो, जिसका डाउट था इसको समझ आया है, ये कैसे किया है फॉर्मूला लगा के, हाँ या ना लिख दीजिए बस, चलो tan इनवर्स वाई जेड बाय एक्स आर है, tan इनवर्स जेड एक्स बाय वाई आर है, ये तो बुक में से क्वेश्चन देख लेना, tan इनवर्स एक्स वाई बाय जेड आर पाई बाय टू, कहता है ये प्रूव करना है, प्रूव वेयर ये दिया हुआ है, आप बच्चे पांच मिनट रुकोगे भी, नोट कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं बच्चा नोट करेगा, पहले देखो इस क्वेश्चन में गलती है, मैं दिखा दूं क्या है, इस क्वेश्चन में गलती है, कितनी बार कह दिया उनको क्वेश्चन ठीक कराओ, अभी तक करा नहीं उन्होंने, इसमें गलती है, देखो जरा आप लोग अभी नोट नहीं करेंगे, देखो मैंने क्या किया, इसको मुझे प्रूव करना है, आपको भी दिख रहा है, तो मुझे इसको प्रूव करना है, ये मेरे पास गिवन है, दो या तीन मिनट दो, मैं गलती बता दूं, फिर जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा, चलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, मेरे पास आया tan इनवर्स ऑफ वाई जेड बाई एक्स आर, टैन इनवर्स ऑफ जेड एक्स बाई वाई आर,
मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्यों ली बताओ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्यों ली, क्योंकि मुझे प्रूव करना है। प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई बाय जेड, अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें तीन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तीनों अननोन है, तो टेन वर्स एक्स, टेन वर्स वाई, टेन वर्स जेड का फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, फटाफट लिख देता हूँ, पहले से ही आता है आपको, एंटी देनी, दो मिनट हो गया, अभी नोट मत करना। इस पूरे को x मान लिया, ये क्या है अननोन है, तो फॉर्मूला लग जाएगा, y मान लो, z मान लो, लगा दिया मैंने फॉर्मूला, कितना आ गया ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ yz xr, zx yr, xy zr, माइनस ऑफ तीनों की प्रोडक्ट आ गई, देखो तीनों की प्रोडक्ट आ गई, तीनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, वाई जेड अपॉन एक्स आर, जेड एक्स अपॉन वाई आर, एक्स वाई अपॉन जेड आर, फिर क्या कर दिया, नीचे आ जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स आर, जेड एक्स अपॉन वाई आर, माइनस जेड एक्स अपॉन वाई आर, एक्स वाई अपॉन जेड आर, माइनस एक्स वाई अपॉन जेड आर, वाई जेड अपॉन एक्स आर, समझ रहे हो, एक्स प्लस वाई, अभी नोट मत करो, मान लो अभी इसमें छोटी सी गलती है, पहले वो दिखा दूं, फिर आप नोट करना, आपके पास पहले नोट, ऐसी मत नोट करना आप लोग, पहले एक बार गलती दिखा दूं आपको, फिर आप नोट करिएगा, ठीक है, ऐसे मत नोट करना, चलो चलो। तो ये आ गया, मैंने नीचे वाले को x से x कट गया, देखो जरा y से y कट गया, ये y से y, z से z, और यहां से क्या कट गया, zx कट गया, सोचो मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स ऑफ, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं किया, न्यूमरेटर को नीचे रहा हूं, नीचे कितना आ गया, z स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय y स्क्वायर बाय, अब क्या करूंगा इसको, इधर देखो मैंने ऊपर वाले को नहीं पिक किया कुछ भी, tan इनवर्स रहने दिया, यहां दिख जाएगा, दिख जाएगा, चलो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, या आर्स के नीचे कहीं कुछ सोच रहे हो, मैंने नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, सोचना, चलिए अगले स्टेप में कर दूंगा, नहीं तो माइनस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया है, आर स्क्वायर आ गया, नीचे कितना आ गया, सोचो आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर ऊपर चला गया है, अब इस सारे की वैल्यू आएगी, इस सारे की वैल्यू कितनी आएगी, गिवन है बेयर, ये देखो बेयर गिवन है, देखो बेयर गिवन था, ये वाली चीज कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, अगर सोचो तो आर स्क्वायर डैश आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो गया, टेन इनवर्स आर स्क्वायर बाय जीरो, टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी किस पे होता है, टेन में, टेन पाई बाय टू आ गया, टेन से टेन मैंने काट दिया, कितना आ गया, पाई बाय टू आ गया, तो आप बोलोगे सर ये आंसर आत हो गया, राइट हैंड साइड आत होगी, सोचो गलती कहाँ है, तो ठीक तो है, दोबारा एक मिनट के लिए सुन लो, फिर नोट करना, रुक जा बढ़िया, रुक जा तू दो मिनट, मोहित दो मिनट रुक जा, रुक जा दो मिनट, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को दोबारा देखो, तो उसने कहा प्रूव करो, टेन वर्स दिस, बस खत्म हो गया टॉपिक, नहीं अब ज्यादा दिन का, एक आध दिन का और लेक्चर है, टेंशन ना लो, पहले चीज को सीख लो, गलती ना करना, टेन वर्स, टेन वर्स, टेन वर्स, पाई बाय टू,
वेयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर का मतलब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, गिवन है। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट टैन इनवर्स दिस, टैन इनवर्स दिस, टैन इनवर्स दिस पाई बाय टू। ओके, तो मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड उठाई, आप लोगों ने भी उठाई, तीनों अननोन थे, मैंने एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, जो कटिंग होगी काट दिया। अब मैंने ले लिया लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया आर स्क्वायर इधर जंप कर गया और मैंने ऊपर वाले को पंगा ही नहीं लिया, ऊपर वाले को जैसा था वैसे ही रख दिया, ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया और ये आ गया, ये गिवन था, वो यहां से गिवन था, दिखाने की जरूरत तो नहीं है, मुझे पता आप सबको दिख गया है ये गिवन था। तो मैंने आर स्क्वायर डाला, कट गया, जीरो आ गया, आर स्क्वायर से ऑब्वियस आर स्क्वायर कट गया, जीरो आ गया, इंफिनिटी हो गया, फाइनाइट बाय जीरो इंफिनिटी सबको पता ही है, लिखने की वैसे साइड पे जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, फाइनाइट बाय जीरो इंफिनिटी आ गया। फिर क्या बन गया, टेन पाई बाय टू, टेन से टेन कटा पाई बाय टू राइट हैंड साइड। ओ काके गलती कर गया, ओ मेरे मालिक गलती कर गयो, गलती ओ काके गलती कर गया, कहां पे ये देख, यहां पे मिस्टेक पता ही नहीं चला। ओ गदो, यही तो समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या गलती किया पहले ये बता दूं फिर आगे चलाता हूं। ये देखो, तुमने टेन इनवर्स से टेन काटा, चलो काटा, पर पाई बाय टू चेक किया, क्या लाई करेगा ओपन इंटरवल में, मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई करेगा, पहले ये तो सोचो, पहले पहले सोच लो, ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़ कराते हो वहां जाके, क्या प्रिंसिपल वैल्यूज में, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लाई करेगा पाई बाय टू, लाई करेगा नहीं लाई करेगा, तो काटा कैसे, कैसे इसको काट दिया, गलत है गलत है गलत है, अगर समझ आया है तो, ये गलती है। तुम लोग मजे से कराते हो फिर बोलते हो भी आंसर आ गया, तो मेरा आपसे ये कहना है, देखो स्कूल में कैसे वो आप जानो, आप लोग एक बार पूछ लेना करने से पहले, भाई यहाँ तो गलती है इस क्वेश्चन में, अभी तो सबके ऑनलाइन क्लास ही चल रही है, ऑनलाइन ही पूछ लेना कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये वाली गलती का ध्यान रखना है। देखो मैं तो तुम्हें गलती बता सकता हूँ, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं काट देना, लाई नहीं करता, तो सर करेंगे कैसे, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था पुरानी बुक में 2000 जिसके 11-12 की बुक पढ़ी हो तो क्वेश्चन ये था, वही था, इफ अगर, अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव मुझे ये करना है, जैसे पहला पार्ट है 11th का, ओके सर ये चीज है, गिवन ये है, इफ ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, अब कोई दिक्कत नहीं, कैसे आ जाओ, अब करा दूंगा, अगर मिस्टेक पता चल गई हो, अब मुझे लेफ्ट राइट दोनों उठा सकता हूं, क्योंकि गिवन है, गिवन है, तब मैं क्या उठा लूंगा, पाई बाय टू उठा लूंगा, टेन उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, सोचिएगा, टेन पाई बाय टू, बाकी को नहीं छेड़ूंगा, बाकी एज इट इज, वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड, वन माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मैंने कैंसिल करके लिख दिया, एलसीएम उलसीएम ले लूंगा, वो ये बन जाएगा एलसीएम, और जो मेरी राइट हैंड साइड है टेन पाई बाय टू, वो कितनी आ जाएगी सोच लो, टेन पाई बाय टू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, टेन तो उधर भेज दिया मैंने, टेन तो यहाँ से इधर भेज दिया है, टेन पाई बाय टू तभी बना था, इन्फिनिटी कितना आएगा, वन बाय जीरो, वन बाय जीरो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वन बाय जीरो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सोचना अब आपके पास कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो इक्वल्स टू आर स्क्वायर, टेन पाई बाय टू को तो इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स थोड़ी ना है, ये थोड़ा ना कह रहा हूँ, टेन पाई बाय टू कितना होता है इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी कितना हो गया, वन बाय जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ, हैंस प्रूव, मुर्गियां प्रूव हो गई, ध्यान रखो हैंस प्रूव, चलिए
सोचिएगा, चलिए सोचिएगा, जरा सोचिएगा। अगला है, सोचिएगा क्या कुछ मैं बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ट्वेल्थ है, थर्टींथ है, प्रूव दैट, थर्टींथ है, प्रूव दैट। Prove that cos of 2 tan inverse sine of 4 tan inverse चलिए तो समझ में आ गया है। इधर देख लो, tan इनवर्स दोबारा बता रहा हूं, इधर जाएगा तो क्या होगा, tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 क्या होता है, इनफिनिटी अगर दिख रहा है तो इनफिनिटी को क्या लिख सकता हूं, 1/0, ये r स्क्वायर ऊपर जंप कर गया, ये डैश डैश का मतलब न्यूमरेटर चल रहा है एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर वाला 0 हो गया, ये वाला कितना हो गया, इसको इधर लेके चले जाना, x2 y2 r2, मुर्गियां प्रूव, हैंस प्रूव, ये बोल रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड 13 है, साथ साथ नोट करना, ठीक है, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। ओ कहां चला गया, 2 tan इनवर्स है 1/7, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, कॉस है 2 tan इनवर्स 1/7, तो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का कॉस में चेंज करने का, 1 - x2 1 + x2, ओ यस काके, फॉर्मूला याद करो, तो कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1 - x2 / 1 + x2, कॉस कॉस इनवर्स कट गया, कितना रह गया, 49 - 1/49 + 1/24/25 लिख दूं, का के सोचता रही हूं, ट्राई है, राइट हैंड साइड सोचो, इसके लेफ्ट अलग उठाते हैं और राइट अलग आएगी, अब कौन सी साइड उठा लो, राइट हैंड साइड, तो ये रही आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड, ये साइन ऑफ 4 tan inverse 1/3, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, कैसे, 2 into 2 sin of 2 i of 2 tan inverse 1/3, 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बनाओगे, 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या होगा, sin inverse 2x, sin में चेंज करा लो sin, या पहले tan में चेंज करा लो, फिर दोबारा एक फॉर्मूला लग जाएगा, 2x / 1 - x, तो क्या बन गया, sin of 2i,
tan inverse of 2x upon 1 minus x square. सोचो तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, सोचो 1 minus x square आ गया तो मैं क्या लिख दूंगा आपके पास, या अब इसको लिख लो sin of 2, सॉल्व करा लो, सॉल्व करा लो इसको, सोचो tan inverse 2 by 3 1 minus 1 by 9 तो क्या हो गया, लिख दूं 2 tan inverse of 3 by 4, सोचना, ट्राई लिख रहा हूं बीच में, सोच लीजिएगा, दोबारा यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, दोबारा बता रहा हूं एक बार करो, तब तक बच्चे जिनको समझ आता है वो आगे चलो। क्वेश्चन है cos 2 tan inverse 1 by 7 sin 4 tan inverse 1 by 3 cos 2 tan inverse 1 by 7 को लिख सकता हूं बाय फार्मूला 2 tan inverse x का, cos inverse 1 minus x square 1 plus x square, सॉल्यूशन करो 24 by 25। नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड, sin 4 tan inverse 1 by 3, 4 tan inverse को लिख सकता हूं twice of twice tan inverse 2 tan inverse x का फॉर्मूला tan inverse 2x upon tan inverse 2x upon 1 minus x square, ये आ गया tan inverse 2x कौन, सॉल्व कर लिया मतलब 3 से 3 कट गया 6 by 8 आ गया 3 by 4 आ गया। अब tan inverse में क्यों चेंज कराते हो, sin inverse का फॉर्मूला लगा लो 2 tan inverse x का फॉर्मूला sin inverse 2x upon 1 plus x square, क्यों कट जाएगा सोचो, तो क्या बन जाएगा sin of sin inverse twice of x upon 1 plus x का square, तो क्या करोगे कट जाएगा, कट जाएगा डोमेन में लाइक करेगा, सॉल्व करें ना कितना बनता है ये देख लो sin of sin inverse लिख दो, देखो 16 4 से 4 कटेगा, चलिए कितना आ गया 24 by 25, क्या 24 by 25 डोमेन में लाइक करेगा, करेगा कट जाएगा 24 by 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सोचते रहिएगा सोचते रहिएगा। चल नेक्स्ट 15th सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 10 साल बोर्ड में इनवर्स आई तो 8 साल 15 और 16 टाइप के क्वेश्चन आए, 15th और 16 टाइप के क्वेश्चन 8 साल आए समझ लो, रेशो 80% हर 10 साल, 15th बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस साल फिर इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आ गया है 8 बार इसी में से हर कोई, फिर भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये होते हैं सॉल्व करने, सॉल्व का मतलब सबको पता है फाइंड क्या करना है x को, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है तो रिकॉर्डिंग लेक्चर में आ जाएगा, आपके पास कुछ पहुंच गए कुछ चले जाएंगे, सोचना जरा क्या फॉर्मूले लगे हैं कैसे काटा है और आंसर बनानी है। 15th फर्स्ट पार्ट, कल का लेक्चर नहीं किसी ने मिस करना, लेक्चर नंबर 7 ना मिस करना, पहले बता दूं, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अब देखना जरा कल का लेक्चर ना मिस कर दे कोई, ये क्या बनाया तुमने ऋषि, चलो अब देखो जरा, अब बोलिए जल्दी बोलिए फिर मैं आगे चलाऊं, कोई बात नहीं इसको तो मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर में देख लीजिए, क्वेश्चन एक ही है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 और 16 सॉल्व वाला, अब दिख रहा है जी
15th क्वेश्चन है, देखो जरा। आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए सॉल्व कर रहे थे हम इसको, 15th वाले को। मैंने 15th का पहले फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। tan inverse x है प्लस 2 cot inverse x है 2π/3। नहीं दिखता तो एक आधा बच्चा दो मैसेज, एक आधा बोल रहा हूँ मैसेज डाल दिया करो और रिस्पॉन्ड जल्दी किया करो। चलो ये सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, फाइंड करना है, अंडरस्टूड है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स को। फाइंड किसको करना है, वैल्यू ऑफ एक्स को। चलिए निकालिए। तो मैं 2 a को मैथ में a प्लस a लिख सकता हूं, मुझे जो पता है, जो मेरी नॉलेज कहती है मैं इसे लिख सकता हूं। चलिए तो मैं लिख रहा हूं इसको tan इनवर्स है। अच्छा ये तो आप लोग भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं, क्या ये सॉल्व करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर चलूंगा और राइट हैंड साइड भी लेकर चलूंगा। ये नहीं प्रूव नहीं करने, जो लेफ्ट से राइट मुझे प्रूव करने वो नहीं करनी। मैंने इसको ब्रेक कर लिया इस लॉजिक से, क्या 2 cot inverse को लिख लिया। सोचो cot inverse x plus cot inverse x, सोचिएगा 2π। अब मेरे को पता है इसका मेरे पास एक फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला क्या, tan inverse x plus cot inverse x equal to π/2 होता। तो कितना आ जाएगा π/2, 2π/3 ये चला जाएगा, 2π/3 माइनस π/2 cot इनवर्स x इक्वल टू, सीधा लिख दूं π/6। समझ जाओगे, एलसीएम ले लो। x कितना हो गया, x की वैल्यू, ओ यस काके यस। चलो अगला एक और करा। फिफ्थ पार्ट है, 15 का ही फिफ्थ पार्ट है, ये जरूर करनी है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। कल का लेक्चर मत मिस करना, मैं सभी को बोल रहा हूं सेम टाइम पे। फिफ्थ पार्ट, tan इनवर्स है 2x अपॉन cot इनवर्स है अपॉन π/3। चलिए करा रहा हूं। मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स थीटा को tan इनवर्स 1/थीटा, ताकि सारा क्वेश्चन tan इनवर्स में चेंज हो जाए। tan इनवर्स 1/थीटा लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स, ये भी फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर π/2। सोच लीजिए तब आगे कराता हूं। तो ये कितना आगे, tan इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स x। पूछोगे तो ना कैसे, कैसे फॉर्मूला से, फॉर्मूला होता है ना, सोचना आराम से, फॉर्मूला होता है ना, कौन सा बताने की जरूरत है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर।
ये कितना आ गया अब, पाई बाय थ्री था, पाई बाय थ्री, टू प्लस टू फोर, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाय ट्वेल्व, टेन ऑफ पंद्रह डिग्री, पंद्रह डिग्री, टेन ऑफ पंद्रह डिग्री। अब मैं पंद्रह डिग्री के लिए जाऊंगा तो x क्या आ जाएगा, tan ऑफ 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, प्लस 1 की तरह 45 माइनस 30, tan 45 माइनस थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 1/√3, 1/√3। x की वैल्यू क्या आएगी, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, रैशनलाइजेशन आता होगा कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। सोचिएगा x की वैल्यू, ट्राई लिख दूं, सोच लोगे कितनी आ जाएगी बताओगे, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 आ जाएगी सोचने। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस, सोचते रहिएगा मैंने ये कैसे किया, ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ट्राई लिख दिया, खुद भी कभी सोचो, थोड़ा सारा काम नहीं सोचवाना आपको। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, बाय बाय।